अच्छा, तो इस कदर तेजी से बढ़ने की रीजन ये है कि एक तो टोबैको जो इंडस्ट्री है उसका दुनिया की इकोनॉमी में काफी बड़ा उसकी रोल है टोबैको इंडस्ट्री का, और बहुत सारे कंट्रीज की जो गवर्नमेंट्स हैं उनको टोबैको इंडस्ट्री सपोर्ट करती है, उनको इलेक्शंस में सपोर्ट करती है, इसलिए वो टोबैको इंडस्ट्री पे ओवरऑल पाबंदी नहीं लगा रहे। ज्यादातर ऐसे लोग हैं कि जिन लोग ज्यादातर ऐसे गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने टोबैको इंडस्ट्री पे इनडायरेक्ट पाबंदियां लगाई हैं, जैसे उनके ऊपर लिखवा दिया है कि ये सेहत के खिलाफ है, लेकिन टोटली वो उस पर पाबंदी के लिए नहीं गए, क्योंकि इंडस्ट्री इकोनॉमी को सपोर्ट करती है। हमारे कंट्री में भी अगर आप टैक्स पेइंग इंडस्ट्रीज को देखें तो उसमें सबसे टॉप पर टोबैको इंडस्ट्री आती है, लेकिन जहां तक हेल्थ का है तो फिर टोबैको ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। सिर्फ COPD नहीं बल्कि हार्ट डिजीजेज और बहुत सारी और डिजीजेज में भी टोबैको का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डेफिनेशन अगर देखें तो इसमें कुछ कीवर्ड्स आप देख सकते हैं। नाम से ही जाहिर है कि क्रॉनिक डिजीज है, इट इज प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल। प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल का मतलब ये है कि आप इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं, ट्रीटेबल ट्रीट भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक परसिस्टेंट साइन एंड सिम्टम्स क्रिएट करती हैं। एक दफा जब COPD में एयरवे की नैरोइंग हो जाती है ड्यू टू एक्सपोजर टू सिगरेट और एनी नॉक्शियस पार्टिकल्स, तो वो परमानेंट रहती है, और डिजीजेज एयरवे में भी प्रिवेल कर सकती है और एल्वियोलर एरिया में भी प्रिवेल कर सकती है। एयरवे के अंदर अगर डिजीज आए तो इसको हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं, और एल्वियोलाई को इन्वॉल्व करे तो इसको हम एम्फाइजीमा कहते हैं। एयरवे के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, उसमें वीज की साउंड आती है, और अगर एल्वियोलाई की इन्वॉल्वमेंट हो तो उसमें ब्रेथ साउंड्स की इंटेंसिटी कम हो जाती है, और यही दो मेन कंपोनेंट्स हैं जो COPD बनाते हैं, यानी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइजीमा। कॉजेज में स्मोकिंग सबसे बड़ा कॉज है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, या अक्सर हमारे सेटअप में ईंटों के भट्टे पर जो लोग काम कर रहे होते हैं, या ऐसे लोग जिन्होंने तंदूर वगैरह पे काम किया होता है, दे आर प्रोन टू डेवलप COPD। और इन दोनों एक्सपोजर्स के साथ साथ आप में कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी आने चाहिए जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ लोगों में अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की स्लाइड डेफिशिएंसी होती है तो उनके अंदर ज्यादा डेवलप हो जाता है। सिम्टम्स आपको पता है कि तमाम चेस्ट डिजीजेस की एक ही हैं, लेकिन इसके अंदर जो सिम्टम्स होंगी वो प्रोग्रेसिव होंगी और टाइम के साथ वर्सन होंगी। हिस्ट्री जो थी उसमें पेशेंट का एक्सपोजर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और बाकी आप हिस्ट्री ले सकते हैं, स्मोकिंग कितनी की है, कितने अरसे से की है। एटलीस्ट 10 ईयर्स तक अगर किसी ने रोजाना एक सिगरेट का पैक पिया है तो वो रिस्क फैक्टर है फॉर डेवलपिंग COPD। इससे कम स्मोकिंग पे COPD डेवलप होना काफी मुश्किल है। इसके अलावा आपको COPD के पेशेंट्स में अक्सर औकात कार्डिक एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, जिसमें एट्रियल फिब्रिलेशन है या हार्ट साइड ज्यादा होता है, तो वो भी आप पूछेंगे। और इसके अलावा आप पेशेंट के अंदर गर्ट का देखेंगे, पेशेंट के अंदर स्टीरॉयड यूज उसकी वजह से स्टीरॉयड के साइड इफेक्ट्स का देखेंगे। ये सब कुछ आप हिस्ट्री में पॉइंट लेंगे, लेकिन मेन पॉइंट्स यही रहेंगे कि पेशेंट को प्रोग्रेसिव डिस्निया होगा फॉर लास्ट मेनी इयर्स, जो वक्त के साथ वर्स करेगा। एग्जामिनेशन में दो तरह के आपको फिनोटाइप्स मिल सकते हैं, ब्लू ब्लॉटर्स और पिंक पफर्स। ब्लू ब्लॉटर्स हेल्दी होते हैं और साइनोज्ड होते हैं, पिंक पफर्स दे आर हैविंग पोलिसाइथीमिया, और ये थिन एंड लीन होते हैं, ये पैथोलॉजी में आप पढ़ चुके हैं। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की बात की जाए तो आपको पेशेंट में बाउंडिंग पल्स मिलेगी, और साथ में पेशेंट के वॉर्म एक्सट्रीमिटीज मिलेंगी ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन। और इंस्पेक्शन वगैरह की फाइंडिंग्स आप मुझे बता दें कि क्या क्या हो सकती हैं COPD में। सर? डिक्रीज ब्रेथ साउंड हो सकती है, हाइपर इंस्पेक्शन का ही रेजोनेंस हो सकती एस्पेक्ट है सर। इंस्पेक्शन पे सर बैरल चेस्ट हो सकती है। सही, बैरल चेस्ट और किस किस डिजीज में होती है? एम्फिजेमा, सर डिफॉर्मिटीज चेस्ट, डिफॉर्मिटीज चक्ति वेरवे डिजीज, जैसे पेशेंट जैसे जिसको एस्थमा है उसमें भी बैरल शेप चेस्ट हो जाती है, और ओल्ड एज में नॉर्मली बैरल शेप चेस्ट होती है। ठीक है,
और पेल्पेशन में क्या फाइंडिंग मिलेगी? सही, पेल्पेशन में आपको डिक्रीज रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स बाइलेटरली जब आप चेक करेंगे वो मिलेंगी, और ऑस्कल्टेशन पे क्या आपको साउंड मिलेगा? सर डिक्रीज ब्रेथ साउंड्स, यस सर, बेसिंग होगी सर, वोकल फेमिटस, हार्ट साउंड क्लाउडेस ब्रेथ। अच्छा, डिक्रीज्ड इंटेंसिटी ऑफ ब्रेथ साउंड्स इसमें हो सकती है, हार्ट साउंड्स भी कम होगी सर, हार्ट साउंड्स रिड्यूस हो सकती हैं। ठीक है, और सही, अब एपेक्स बीट और ट्रेकिया पर क्या प्रॉब्लम होगा सर? सर एपेक्स बीट सब चीज सीफोइड शिफ्ट हो जाएगी। सही, एपेक्स बीट विल बी डिफिकल्ट टू पेल्पेट, नहीं मिलेगी, अक्सर औकात नहीं मिलती सीओपीडी में। और ट्रेकिया में एक टर्म यूज होती है ट्रेकियल टग, उसका पता है? यस सर, ट्रेकियल टग में सर वो टू फिंगर्स हम रखते हैं क्रिकॉइड कार्टिलेज के नीचे और सर नॉच के ऊपर सर, और जब वो इट्स नॉट ट्रेकियल टग, ये तो है स्टर्नो ट्रेकियल, जो डिस्टेंस है ना वो आप बात कर रहे हैं। सर डीप ब्रीथिंग पे उसको प्रेशर फील होता है हमें फिंगर के ऊपर? नो, हम ट्रेकियल टग में ये होता है कि जब पेशेंट इंस्पायर करता है तो आपकी फिंगर के नीचे से ट्रेकिया स्लिप करके नीचे मूव करता है, नॉर्मल इंडिविजुअल्स में ऐसा नहीं होता। और जो आप बता रहे हैं डिस्टेंस, वो ट्रेकियो ट्रेकिया का और सुप्रास्टर्नल डिस्टेंस वो डिक्रीज कर जाता है। नॉर्मली हमारी जो थ्री फिंगर्स हैं दे गो वो हम प्लेस कर सकते हैं ट्रेकिया और सुप्रास्टर्नल एरिया में। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आप सीओपीडी के केस में आप सिस्टेमिक क्या क्या चीजें देखना चाहेंगे? साइनोसिस, सिस्टेमिक दूसरे सिस्टम को हमने क्या देखना है, क्या क्या चीजें देखनी है सर? राइट हार्ट फेलियर हो सकता है सर, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ठीक है, उसमें क्या फाइंडिंग मिलेंगी सर? जेवीपी इंक्रीज्ड होगा सर उसके अंदर, और सर पेरिफेरल एडिमा हो सकता है। सही, आपके अलावा और कोई आवाज नहीं आ रही और कोई और बंदा बात नहीं कर रहा, कोई और बता सकता है कार्डिक क्या क्या फाइंडिंग हो सकती है सीओपीडी में? आप माज बात कर रहे थे ना जो जवाब दे रहे थे? चलो अच्छी बात। अच्छा, ये पिंक पफर्स और ब्लू ब्लॉटर्स का एक कंपैरिजन है, और मेन पैथोलॉजीज में ये है कि ब्लू ब्लॉटर्स में देर इज हाइपोक्सिया, और जो दोनों में ही हाइपोक्सिया होता है, जो ब्लू ब्लॉटर्स होते हैं दे आर ऑलवेज इंक्रीज इन वेट और उनमें साइनोसिस ज्यादा प्रोमिनेंट फीचर होता है, और पिंक पफर्स के अंदर थिन एंड लीन होते हैं और इनके अंदर एम्फाइजीमा ज्यादा होता है। ये क्लासिफिकेशन पैथोलॉजिकली ठीक है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम और भी सीओपीडी की फिनोटाइप्स आ गई हैं। अब हम तकरीबन 10 फिनोटाइप्स को देखते हैं एट ए टाइम, उसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी है, एम्फाइजीमा भी है, सीओपीडी विद ब्रोंकाइटिस भी है, सीओपीडी विद ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी है, सीओपीडी विद इंटरस्टिशियल लंग डिजीज भी है, यानी बहुत सारी इसकी अब फिनोटाइप्स आ गई। तो मेन इसमें यही चीज़ आपने मेरा ख्याल पैथोलॉजी में आप इसका कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, बस सिर्फ यही याद रखना है कि ब्लू ब्लॉटर्स के अंदर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का एलिमेंट ज़्यादा है एंड दे ऑलवेज कम विद प्रोडक्टिव कफ, और एम्फाइजीमा केस प्रीडोमिनेंटली एम्फाइज प्रेजेंट करते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, दे एंड थिन एंड लीन। अच्छा जी, इसमें आपको अंदाजा है कि किस लिए सीओपीडी डेवलप क्यों होती है? उसकी रीजन ये है कि जब बाहर से नॉक्सियस एलिमेंट्स और बाकी सारी चीजें बॉडी के अंदर एंटर होती हैं तो उसकी वजह से एयरवे की इन्फ्लेमेशन होती है, और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स या इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं जो वहाँ इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। इन केस ऑफ एस्थमा इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स कुछ और हैं, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि इंटरल्यूकिन
4 interleukin 5 interleukin 13 jabki yahan tumor necrosis factor alpha interleukin 1 interleukin 6 inflammation cause karte hain aur isliye inki inflammation irreversible hai jabki asthma mein reversible inflammation hoti hai to diagnose kis tarah karna hai symptoms ka ek khas pattern hoga साथ में स्मोकिंग या किसी एक्सपोजर की हिस्ट्री होगी और थर्ड नंबर पे आप स्पायरोमीट्री करेंगे यानी पेशेंट की स्मोकर होगा उसको प्रोग्रेसिवली वर्सनिंग डिस्निया प्रोडक्टिव कफ होगी और स्पायरोमीट्री आपने करनी है उसका मैं आप हम स्पायरोमीट्री में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या फीचर होंगे स्पायरोमीट्री में रिवर्सिबिलिटी याद है जो हमने डिस्कस किया था सर वो ब्रोंको पोस्ट ब्रोंको डायलेटर्स जो है ना उससे जो है हाँ जी अगर वो एस्मा में आती है अगर 12% एंड 200 ml से ज्यादा का चेंज आ जाए तो ये एस्मा होगा उससे कम होगा तो ये सीओपीडी का होगा ये आप देख सकते हैं इसमें स्पायरोमीट्री का आपको अंदाजा है अच्छा अब ये सेवेरिटी ऑफ सीओपीडी है विद रिस्पेक्ट टू FEV1 जब आपने एक दफा पेशेंट की FEV1 और FVC की रेशियो देख ली और वो रेशियो 0.7 से कम है तो उसके बाद आपने उसकी सेवेरिटी जज करनी है कि ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज अगर है तो कितनी है उसके लिए ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज ने चार क्लासेस बनाई हैं माइल्ड मॉडरेट सीवियर और वेरी सीवियर जो माइल्ड वाला है उसमें FEV1 80% से ज्यादा प्रिडिक्टेड है अब ये याद रखें कि इट्स नॉट द रेशियो क्लासिफिकेशन जिस बेस पे हो रही है दैट इज FEV1 तो अगर किसी पेशेंट की FEV1 80% से ज्यादा है तो वो माइल्ड सीओपीडी में आएगा अगर 50-80% है तो मॉडरेट डिजीज 30-50% सीवियर डिजीज और अगर लेस देन 30% हो तो वेरी सीवियर डिजीज होगी ये क्लासिफिकेशन काफी हद तक कोरिलेट करती है जो हमने ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज की सेवेरिटी पढ़ी थी इन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट सेशन तो बस ये याद रखिएगा कि 50% से कम जब होना शुरू हो जाए FEV1 तो दिस इंडिकेट्स दैट इट्स सीवियर सीओपीडी अच्छा अब ये वाली जो क्लासिफिकेशन थी दिस इज बेस्ड ऑन स्पायरोमीट्री तो इससे ये नहीं पता चलता था कि एक्यूरेटली नहीं हम डिटरमिन कर पाते थे कि पेशेंट की सेवेरिटी कितनी है सिम्टम्स की उसकी मिसाल इस तरह है कि आपने दो पेशेंट्स लिए और उन दोनों की आपने स्पायरोमीट्री की दोनों सीओपीडी हैं तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनकी FEV1 गोल्ड स्टेज 3 में होगी 30-50% लेकिन जब आप उनसे क्वेश्चन करेंगे तो वो कहेंगे कि मुझे तो अलामत बहुत कम है लेकिन एक पेशेंट दूसरा ऐसा है जिसकी FEV1 80% से ज्यादा है और इस पेशेंट के अंदर अगर आप पूछें कि आपको अलामत कितनी है तो वो बताए वो आगे से कह रहे कि मुझे तो बहुत ज्यादा कफ आती है और इस तरह तो उसे जो रिसर्चर्स थे उन्होंने ये बात डिटेक्ट की कि अगर किसी को स्पायरोमीट्री पे हम लेवल असाइन कर देते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी क्लिनिकल कंडीशन पूरी तरह कोरिलेट हो तो साथ में उन्होंने कहा कोई ऐसा टेस्ट ऐड करने की ज़रूरत है जिससे हमें ये पता चल जाए कि पेशेंट में सिम्टम्स कितनी ज़्यादा हैं तो उस पर्पज़ के लिए उन्होंने कुछ और साथ में पैरामीटर्स ऐड किए ये सारे क्वेश्चनेयर्स हैं COPD असेसमेंट टेस्ट क्रॉनिक रेस्पिरेटरी क्वेश्चनेयर और इन सब में पेशेंट से सवाल करते हैं कि आपका सांस का मसला कितना ज़्यादा है तो इस तरह हम ना सिर्फ स्पायरोमीट्री से भी वैल्यू ले लेते हैं और पेशेंट से खुद भी इंटरव्यू करके उसकी सेवेरिटी चेक कर लेते हैं इन दोनों को मिलाने से पेशेंट की कंडीशन के बारे में जो मालूमात हासिल होती हैं वो ज़्यादा रिलायबल होती हैं
कॉमन क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम सीओपीडी असेसमेंट टेस्ट को यूज करते हैं, और सबसे ज्यादा जिसको यूज करते हैं दैट इज मॉडिफाइड मेडिकल रिसर्च काउंसिल क्वेश्चनेयर। ये हमें डिग्री ऑफ डिस्निया बताता है। ये टेस्ट है सीओपीडी असेसमेंट टेस्ट। इसमें आप कफ के बारे में, स्पूटम के बारे में, सिम्टम्स के बारे में, स्लीप के बारे में, फटीक, ये सारे क्वेश्चन इसके अंदर आप करके इन्हें स्कोर कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चनेयर उर्दू में भी मौजूद है, और ये एमएमआरसी है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला एमएमआरसी तकरीबन चेस्ट की हर डिजीज के अंदर यूज होता है, ये वाला पैरामीटर, जबकि कार्डियक डिजीज के लिए हम न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन का पैरामीटर यूज करते हैं। अच्छा, एबीसीडी जो असेसमेंट टूल जो है ये हम यूज करते हैं फॉर द सेवेरिटी। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि दोनों क्राइटेरिया यूज करके हम सीओपीडी की सेवेरिटी करते हैं। सबसे पहले तो हम ग्रेड चेक कर लेते हैं, गोल्ड वन, गोल्ड टू, गोल्ड थ्री और गोल्ड फोर, ये FEV1 की बेस पर हैं। जब ये हो जाता है तो उसके बाद हम आगे चेक करते हैं कि सेवेरिटी पेशेंट की कितनी है। उसके लिए हम क्लिनिकल, ये अगर आप देखें तो नीचे MMRC और सीओपीडी असेसमेंट टेस्ट की बेस पे क्लासिफिकेशन की हुई है। और थर्ड जो फैक्टर यूज हुआ है दैट इज नंबर ऑफ एक्सेसरबेशंस, के कितनी एक्सेसरबेशंस है। ठीक है, ये चार खाने हैं ABCD। अगर जो ए वाला पेशेंट है उसके अंदर सिम्टम्स भी कम है, क्योंकि इसका MMRC स्कोर और COPD असेसमेंट स्कोर ये कम है, और इसकी नंबर ऑफ एक्सेसरबेशंस भी कम है, तो ए कैटेगरी का पेशेंट ऐसा है जिसके अंदर अलामात सबसे कम है। जो और सबसे ज्यादा सिम्टोमेटिक डी वाला है, इसके अंदर MMRC और COPD असेसमेंट टेस्ट की वैल्यू भी ज्यादा है, और इसने पिछले एक साल में एक या एक से ज्यादा दफा एक्सेसरबेशन भी फेस की है। तो ए सबसे कम सिम्टोमेटिक केस है और डी सबसे ज्यादा सिम्टोमेटिक केस है। तो अच्छा, अब सीओपीडी के केसेस में अल्फा वन एंटीट्रिप्सन डेफिशिएंसी का बहुत ज्यादा रोल है। अल्फा वन एंटीट्रिप्सन डेफिशिएंसी हम उस पेशेंट में कंसिडर करते हैं जिसकी स्मोकिंग हिस्ट्री बिल्कुल कम हो, लेकिन उस पेशेंट के अंदर सीओपीडी के साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हो। तो ऐसे पेशेंट के अंदर हम अल्फा वन एंटीट्रिप्सन डेफिशिएंसी देखते हैं। इन केसेस के अंदर पेशेंट की एज कम होती है, पेशेंट को एम्फाइजीमा डेवलप हुआ होता है, और साथ में कनकमिटेंट लिवर का कोई प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अल्फा वन एंटीट्रिप्सन डेफिशिएंसी में लिवर सिरोसिस भी डेवलप होता है। तो इन केसेस के अंदर हम अल्फा वन एंटीट्रिप्सन की डेफिशिएंसी को चेक करते हैं। ट्रीटमेंट जो हम करते हैं सीओपीडी की, उसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल है, फार्माकोलॉजिकल है और इंटरवेंशनल है। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में सबसे कॉमन चीज ये है कि हम पेशेंट की स्मोकिंग सेसेशन करवाते हैं, उसकी चेस्ट फिजियोथेरेपी करवाते हैं, और उसको एक्सरसाइज के लिए कहते हैं। तो ये तीन नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स हैं। और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स में आप बता सकते हैं कौन कौन सा ड्रग ग्रुप यूज करते हैं? जी, इसमें थ्री ग्रुप्स हैं। हाँ जी, थ्री ग्रुप्स हैं, लाबा है, लामा है, और इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं। फर्क सिर्फ ये है कि एस्थमा के जो केसेस हैं उसके अंदर लाबा और लामा की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है जितनी इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की है, और सीओपीडी में लाबा और लामा की ज्यादा इम्पोर्टेंस है, इनको हम प्राइमरी इम्पोर्टेंस देते हैं। कम सिम्टम्स पे हम सिर्फ लाबा या लामा और इनका कॉम्बिनेशन देते हैं, और जैसे जैसे सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं तो हम इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी ऐड कर सकते हैं। आजकल सीओपीडी की ट्रीटमेंट में एक टर्म यूज हो रही है जिसका नाम है ट्रिपल थेरेपी। इट इंक्लूड्स लाबा, लामा और इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। जब एस्थमा पढ़ रहे थे तो लाबा और लामा हमने डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन से उसमें हो सकते हैं। तो आप नाम बोल देंगे कुछ? इप्राट्रोपियम, इप्राट्रोपियम इज शॉर्ट एक्टिंग, टायोट्रोपियम लॉन्ग एक्टिंग। हाँ जी, और लाबा में हुँ.
मास सर भूल गए सर. अच्छा इसमें साल्मेट्रोल यूज कर सकते हैं आप. और इसके अलावा एक और आपको बताया था जो शॉर्ट एक्टिंग जिसका ऑनसेट है लेकिन वो काम लॉन्ग एक्टिंग ही करता है, दैट इज फॉर्मेट्रोल. नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में एजुकेशन और सेल्फ मैनेजमेंट है, फिजिकल एक्टिविटी है, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है, एक्सरसाइज ट्रेनिंग है, सेल्फ मैनेजमेंट एजुकेशन है, और ये सब न्यूट्रिशन है, वैक्सीनेशन है. तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि आप स्मोकिंग सेशन करवाएं, पेशेंट को एक्सरसाइज का कहें और उसको एजुकेट करें कि किस तरह उसने अपने आप को फर्दर एक्सपोजर से बचाना है. सीओपीडी के केस में कौन कौन सी वैक्सीन इंडिकेटेड है, हम उसको न्यूमोकोकल वैक्सीन देते हैं और एच इन्फ्लुएंजा, और हम उसको सॉरी इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन देते हैं. इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन ईयरली बेस पर है और न्यूमोकोकल वैक्सीन आप 5 ईयरली बेस पर देते हैं. और ये फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है, इसमें आपको इसकी मैं ये स्लाइड बड़ी इम्पोर्टेंट है. ये मैंने अभी जो ग्रुप ए बी सी और डी बताया था उसी लिहाज से है. ग्रुप ए में मैंने आपको बताया था कि सबसे कम सिम्टोमेटिक पेशेंट आएगा, तो इसमें सिर्फ एक एजेंट आप दे देंगे. इट विल बी अ ब्रोंकोडाइलेटर. ब्रोंकोडाइलेटर आप लाबा भी दे सकते हैं और लामा भी दे सकते हैं, बोथ कॉज ब्रोंकोडाइलेटेशन. इन सीओपीडी लामा इज प्रेफरेबल ओवर लाबा. तो ग्रुप बी में आप जाएंगे तो उसमें भी आप या तो सिंगल एजेंट देंगे या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं. ग्रुप सी में भी यही है. और ग्रुप डी में आप लाबा लामा और इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को कंबाइन कर सकते हैं. अच्छा अब कुछ नई ट्रीटमेंट्स है ना वो आई हैं. इसमें एक ड्रग है रोफ्लुमिलास्ट. रोफ्लुमिलास्ट इज फॉस्फोडाइएस्टरेज 4 इनहिबिटर. रोफ्लुमिलास्ट ब्रोंकोडाइलेटेशन भी करता है और इसके अलावा ये थोड़ी सी स्मूथ मसल्स की स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करता है. तो रोफ्लुमिलास्ट इज ए ड्रग ऑफ चॉइस इन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस केसेस, जिनके अंदर आपने लाबा भी दे दिया, लामा भी दे दिया, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दे दिया, यानी फुल थेरेपी दे दी, इसके बावजूद उसके अंदर सिम्टम्स आ रही हैं, तो आप रोफ्लुमिलास्ट ऐड कर सकते हैं. और इसके अलावा मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक आप ऐड कर सकते हैं, स्पेशली एजिथ्रोमाइसिन. तो मैक्रोलाइड में आप एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं. एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है लेकिन इसका एंटी इंफ्लेमेटरी रोल काफी ज्यादा है. तो आपको पता है कि सीओपीडी में बहुत ज्यादा इंफ्लेमेशन होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम मैक्रोलाइड देते हैं. मैक्रोलाइड की डोज नॉर्मल एंटीबायोटिक डोज से कम होती है और मोस्ट ऑफ द टाइम हम हफ्ते में 3 दिन के लिए देते हैं मैक्रोलाइड, एक दिन छोड़ के एक दिन. अच्छा जी, ऑक्सीजन थेरेपी. सीओपीडी के अक्सर पेशेंट्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, तो आप लोग ये बताएं कि इसमें हमने ऑक्सीजन कितनी देनी होती है और क्या इसका फायदा होता है. जी लो डोज में देते हैं हम ऑक्सीजन, इसकी रीजन क्या है? तो हाई डोज पे एसिडोसिस अक्सर होता है. हाई डोज में पेशेंट की रेस्पिरेटरी ड्राइव खत्म हो जाती है सीओपीडी के केसेस में. सीओपीडी के केस में हाइपोक्सिया मेन ऑक्सीजन ड्राइव होती है, मेन रेस्पिरेटरी ड्राइव होती है. तो अगर आप उसको हाई कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो पेशेंट की रेस्पिरेटरी ड्राइव खत्म हो जाएगी और पेशेंट के अंदर सीओपीडी वर्स हो सकता है. इसलिए हम
हम सीओपीडी के केसेस में ऑक्सीजन हमेशा लो डोज में स्टार्ट करते हैं और उसकी सेचुरेशन चेक करते रहते हैं, 90 या 92 तक हम उसको लेके जाते हैं और जितनी ऑक्सीजन पे चली जाए उसके बाद हम उसको इंक्रीज नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वाइवा क्वेश्चन है कि सीओपीडी के केसेस में हम ऑक्सीजन थेरेपी 2 या 3 लीटर से ऊपर क्यों नहीं कर सकते। चलिए, सीओपीडी और अस्थमा, सीओपीडी के केसेस में जो क्रॉनिक केसेस हैं उनके अंदर क्रॉनिक हाइपोक्सिया होता है, तो ऐसे केसेस में हमें उन्हें लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन देनी पड़ती है घर में भी। तो उसकी इंडिकेशन ये है कि अगर पेशेंट की ऑक्सीजन सेचुरेशन मुस्तकिलन 88% से नीचे रह रही है और साथ में पेशेंट को पल्मोनरी हाइपरटेंशन या उसको कोर पल्मोनेल डेवलप हो गया है, तो आप उसको लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। इस ऑक्सीजन थेरेपी से ये फायदा होगा कि पेशेंट की सैचुरेशन इम्प्रूव रहेगी और उसको बार बार एक्सेसरबेशन नहीं होगी। और फिर ये कुछ इंटरवेंशंस हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट है सीओपीडी की। इसमें ये है कि अगर सीओपीडी के केस में बुल्ला बन जाए तो हम उसको सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। व्हाट इज ए बुल्ला? बहुत सारे, जब एल्वियोलाई की अंदरूनी दीवार खत्म हो जाती है तो ये बहुत बड़ा एल्वियोलस बन जाता है साइज में, उसको हम बुल्ला कहते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि उसके अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूजन नहीं हो रही होती, लेकिन वो डायफ्राम को पुश करने के बाद सांस लेने का प्रोसीजर मुश्किल बना देता है, डिस्टेंड हो जाता है, आपने हाइपर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कर देता है बुल्ला, इट्स जस्ट लाइक अ स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन। तो फिर इसको सर्जिकली रिमूव कर दें तो डायफ्राम की मूवमेंट बेहतर हो जाती है और पेशेंट का डिस्निया रिजॉल्व हो जाता है। तो रिमूवल ऑफ बुल्ला इज कॉल्ड बुलेक्टमी। इसके अलावा भी अगर पेशेंट में मल्टीपल बुल्लास बने हों तो हम उनको रिमूव कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी। लेकिन ये उस वक्त करते हैं जब पेशेंट में बाकी हर ट्रीटमेंट वो फेल हो जाए। और बहुत सारे जो केसेस हैं और बहुत सारी लंग डिजीजेज हैं उनमें एंड पॉइंट लंग ट्रांसप्लांट है, तो सीओपीडी में भी अगर लंग रेस्पिरेटरी फेलियर मुस्तकिल हो जाए तो उसमें ट्रांसप्लांट आप कर सकते हैं। ओके, फॉलो अप में ये करना है कि हमने ईयरली बेस पे पेशेंट की स्पायरोमीट्री करनी है और उसका FEV1 चेक करते रहना है। जो सिम्टम्स हैं वो भी हम पेशेंट से हर विजिट पर पूछेंगे और कोशिश करेंगे कि हम पेशेंट की एक्सेसरबेशंस को कम करें। और स्मोकिंग स्टेटस पूछना है, बाज़ पेशेंट स्मोकिंग जब अटैक होता है स्मोकिंग छोड़ देते हैं लेकिन दवाई से बेहतर होने के बाद दोबारा स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आएगा कि एक्सेसरबेशन की मैनेजमेंट हमने कैसे करनी है, सीओपीडी एक्सेसरबेशन की। सीओपीडी एक्सेसरबेशन में पेशेंट आएगा तो हम उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करेंगे, अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन कम है तो उसे हम लो डोज में ऑक्सीजन लगाएंगे। दिस इज द डिफरेंस इन ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा एंड सीओपीडी। एस्थमा में आप उसको हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं, फिर उसके बाद आप पेशेंट को ब्रोंकोडाइलेटर्स देंगे। अनलाइक ट्रीटमेंट ऑफ स्टेबल सीओपीडी एक्सेसरबेशन में आपने शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर्स देने हैं, साबा और सामा। इसमें आप इपराट्रोपियम भी दे सकते हैं, सालब्यूटामोल भी दे सकते हैं। और अगर पेशेंट को फीवर हो तो आप ब्रोंकोडाइलेटर्स एंटीबायोटिक्स भी साथ में देंगे और स्टीरॉइड्स भी साथ में देंगे। तो ज़्यादातर स्टेप एस्थमा और सीओपीडी की एक्सेसरबेशन के सेम हैं, पर सिर्फ ये है कि एंटीबायोटिक्स एस्थमा एक्सेसरबेशन में नहीं इतना रोल प्ले करती हैं। नंबर टू, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसका फ़र्क है, एस्थमा में ज्यादा ऑक्सीजन देनी पड़ती है सीओपीडी में कम। अच्छा, अगर पेशेंट एक्सेसरबेशन में आए और आपकी तमाम ट्रीटमेंट के बावजूद उसका मसला हल ना हो तो हम उसको नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन देते हैं
इसके लिए परसों के लेक्चर में मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी जिसमें पेशेंट के चेहरे पे टाइटली फिटिंग मास्क था और उसका कनेक्शन मशीन के साथ था। तो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन पेशेंट के कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करती है और पेशेंट के डिस्निया को इम्प्रूव करती है। इट इज ए ब्रिज बिटवीन सिंपल ऑक्सीजन थेरेपी एंड इन्वेसिव वेंटिलेशन। तो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन का चेस्ट की और किसी डिजीज में फायदा नहीं है जितना सीओपीडी में है। और आजकल तो ये ट्रीटमेंट का कॉर्नर स्टोन बन गया है, तकरीबन हर पेशेंट को नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन जरूर देते हैं। इसका नुकसान नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन का ये है या कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि यह हम बेहोश मरीज को नहीं दे सकते क्योंकि उसमें एस्पायरेशन का हाई चांस। कोमॉर्बिडिटी सीओपीडी में काफी ज्यादा है, उसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, हार्ट फेलियर है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, एरिथमियाज हैं, बर्जर डिजीज है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस है। सीओपीडी के साथ लंग कैंसर बहुत ज्यादा है, गर्ड है, ब्रोंकाइटिस है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनी है। तो सीओपीडी के तमाम पेशेंट्स में इनके बारे में क्वेश्चन करना और एग्जामिनेशन में इनको जहन में रखना जरूरी है। सबसे कॉमन साइड इफेक्ट, सबसे कॉमन कोमॉर्बिड्स विद सीओपीडी आर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जिनमें हार्ट फेलियर और कार्डियक एरिथमिया टॉप ऑफ द लिस्ट है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। सर एक और क्वेश्चन है सर। जी जी सर, फोर्थ ईयर में हमने पैथोलॉजी में सर पढ़ा था कि सीओपीडी में सर एम्फिसीमा और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ये दो चीजें सर मेनली आती है सर, लेकिन जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन है वो क्लिनिकल डेफिनेशन सर ने बताई हुई थी सर, वो क्लिनिकल डेफिनेशन समझ नहीं आया कि वो 2 months के लिए सर, इतने वीक्स के लिए कफ होगी सर, प्रोडक्टिव कफ सर, वो समझा दीजिएगा प्लीज। जी, क्रॉनिक सीओपीडी के जो दो कंपोनेंट्स हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन क्लिनिकल है और एम्फाइजीमा की डेफिनेशन पैथोलॉजिकल है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हम की कॉज सीओपीडी के अलावा भी हो सकती है, और भी कॉजेज हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की। डेफिनेशन ये है कि अगर एक बंदा है जो आपके पास आया और वो कहता है कि मुझे प्रोडक्टिव कफ है और आप उससे ये पूछें कि कितने अरसे से है, वो बताए कि ये 2-3 साल से है और विंटर के जो मंथ्स हैं उनमें मुसलसल ये चलती रहती है, यानी 3 months ऑफ विंटर के अंदर ये कंजेक्टिव 2 years से हो और बाकी सारी कॉजेज प्रोडक्टिव कफ की रूल आउट हो जाएं, जैसे पोस्ट नेजल ड्रिप है, लंग एब्सेस है, ये बाकी सारी कॉजेज रूल आउट कर लें तो फिर हम उसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहेंगे। मैं इंग्लिश में भी बता देता हूँ, प्रेजेंस ऑफ प्रोडक्टिव कफ for 3 months for 2 consecutive years after ruling out all other causes of productive cough. Sir, यानी 2 साल उसको जो है ना कफ का प्रॉब्लम है और उसमें 2 सालों में जो 2 months है उसमें consecutively उसको प्रॉब्लम लाया। Three months per year. Okay sir. ठीक है, 3 months in a year for 2 consecutive years. Okay sir. कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अटेंडेंस ले लें आप। सर आज तो सारी क्लास प्रेजेंट है। 99 हां जी मैं देख रहा हूं। आप लोगों का क्या आगे इरादा है, क्योंकि आप लोगों का क्लिनिकल बहुत ज्यादा वीक है। सर कुछ पता नहीं क्या है, सुना है सितंबर में बुलाना है, प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि डबल शिफ्ट्स में गार्ड लगानी, शायद डबल या ट्रिपल शिफ्ट्स में, ठीक है वो तो हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या आप लोग कवर कर पाएंगे सितंबर से लेकर नवंबर तक? सर दिसंबर मोस्ट प्रोबेबली बहुत मुश्किल हो जाएगा, प्रॉफ डिले होना चाहिए, फरवरी तक जा सकता है, डिले हो रहा है फरवरी जनवरी। जो 2-3 माह में डबल या ट्रिपल शिफ्ट में आपको पढ़ाया जाएगा वो इतना इनफ होगा कि लाइफ लॉन्ग आपको काम दे? सर वापस आकर जब हमारे पास खुद पढ़ने का टाइम नहीं होगा तो वो डबल ट्रिपल शिफ्ट का क्या फायदा? सही, इसका तो फिर यही अल्टरनेटिव है कि एक साल वेट कर लिया जाए। नहीं सर, 2-3 महीने काफी है। सर आज जो करनी है मई में,
नो सर, इतना किया जाए अगर के रिटर्न ले लें और ये जो क्लिनिकल है इसको हाउस जॉब के साथ एडजस्ट कर लें किसी तरह, तो ईयर भी वेस्ट नहीं होगा और क्लिनिकल भी सही हो जाएगा। मतलब फाइनल ईयर दोबारा पढ़ के दें सर? वैसे दोबारा पढ़ने वैसे अभी पढ़नी तो नहीं है, 5 months पढ़ी है टोटल। सर सर प्रिंसिपल क्या है? सर प्रिंसिपल के सर ने उन्होंने बताया था क्योंकि 30% हॉस्टल अकोमोडेशन की प्रिंसिपल ने गवर्नमेंट अलाउ कर रही है। अब जब यूएचएस या सेकेंडरी हेल्थ के लेटर्स चले जाते हैं कॉलेजेस में तो हो सकता है फाइनल ईयर को बुला लें। ये सर प्रिंसिपल की तरफ से था, मतलब ये डिफरेंट कॉलेजेस में चल। जी सर, जस्ट आप लोगों का आप लोगों का फीडबैक लेना था रिगार्डिंग शेड्यूल ना, उसमें हम कोशिश करेंगे कि बेस्ट पॉसिबल आपको ना वो कर दें, अकोमोडेशन का भी हो जाए, आपकी क्लिनिकल उसका भी हो जाए प्रेपरेशन का, और आप पे इतना बर्डन भी ना हो क्योंकि थ्योरी पढ़ के ही पास करनी है, तो इसलिए कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई बेटर सोल्यूशन निकले। सर शाम के टाइम अगर हम जाते हैं तो एक तो हम पढ़ भी नहीं सकते सर, और दूसरा शाम के टाइम फैकल्टी नहीं होती वहां पे, शाम को नहीं होती। Yes, होगा 2-3 बजे तक ही होगा, लेकिन कन्वेंशनल से कुछ हटके ही होगा। सर 8-10 लेक्चर्स है वो खत्म करवा दीजिएगा। लेक्चर्स खत्म है सर, उन्होंने प्रिंसिपल ने बताया था लेक्चर नहीं होंगे आपसे। हाँ जी लेक्चर नहीं होगा सर। वैसे आपको क्या लग रहा है कोरोना कब खत्म होगा, मतलब कब नीचे जाएगी? ताइवान में सिर्फ 4 पेशेंट हैं। ओके सर।